सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मिस्टर श्याम मंगल से। ये बेसिकली मेरे रिलेटिव हैं, मुंबई मेरे से मिलने के लिए सोशल विजिट पर हैं और डायबिटीज की डाइट फॉलो कर रहे हैं। डायबिटिक हैं पिछले 28 साल से और उनको भी डाइट से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इस बात पर पहले भरोसा नहीं होता था, पर उन्होंने एक बार कोशिश करके देखा, उनको रिजल्ट्स मिले तो उसी में आगे बढ़ गए और अब काफी अच्छा उनका डायबिटीज का कंट्रोल है। दरअसल हुआ ये कि ये 28 साल से डायबिटिक तो हैं, तरह तरह की दवाइयां लेते हैं, खाने पीने की फ्रीडम भी उन्होंने इतने सालों तक एंजॉय की, परंतु एक समय ऐसा आया लाइफ के अंदर कि डॉक्टर्स ने बोला कि अब दवाइयां हो चुकी, अब आपको इंसुलिन के इंजेक्शन पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो अक्सर जैसे मैं ओबीज लोगों को बोलता हूं, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन की तो जरूरत ही नहीं है, तो वही चीज मैंने भी उनको बोला, क्योंकि उनका उस समय वजन था 88 kg और उनकी हाइट है लगभग 170 cm। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको तो श्याम भाई इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है, आप अगर डाइट फॉलो करेंगे तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉसिबल है आप रेमिजन या रिवर्सल में भी जाएं। अब देखिए, यहां जरूरी नहीं है कि हर मरीज रिवर्सल के लिए ही कोशिश करे, ये भी कर सकते हैं कि आप डाइटरी प्रोटोकॉल से अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करें और फिर हेल्दी लाइफ जिए, दवाइयों से जितना मुक्ति मिल सकता है उतना मुक्ति ले, इवन इंसुलिन से तो मुक्ति ले ही। तो उन्होंने इस चीज को भरोसा करते हुए आगे बढ़े, उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी, दवाइयों के डोजेस काफी घटे, ब्लड शुगर पूरी तरह कंट्रोल में आई। तो उनका यह सफर पूरा कैसा रहा, आइए उन्हीं से समझते हैं। श्याम भाई नमस्कार। भाइयों, मैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल से काफी इंप्रेस हो रहा हूं आज की समय में। क्यों? क्योंकि पहले, आज से साल भर पहले तक, मेरे को, मैं 8 tablets दिन भर में डायबिटीज की लेता था। मैं 28 साल से डायबिटिक हूं और इस डायबिटीज की अवेयरनेस की वजह से मेरे को कई सारी डिसीज और हुई, जिसको कि मेरे को दोबारा से लाइफ भी मिली। तो जब मैं सब चीजों से नॉर्मलाइज हुआ, तब मैंने अपने 8 tablets दिन भर में मैं डायबिटीज की लेता था, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, और काफ़ी हैवी डोज था, जो मैक्सिमम सबसे ऊंचा वाला। तो तब भी डायबिटीज लगभग 200, 190, 200, 210 फास्टिंग आती थी मेरी। तो मैंने अपने 2-3 परिचित डॉक्टरों से, जो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं भोपाल में, उनसे चर्चा करी, तो उनका सबका कहना था कि यार, जब आप लोग इतनी मेडिसिन ले रहे हो और उसके बाद में भी आपकी कंट्रोल नहीं है, तो आप वाई डोंट यू गो फॉर इंसुलिन। तो मैंने उनकी बात को समझा जरूर, लेकिन इंसुलिन के नाम से जो मेरे को एक दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि ये दिन भर की एक प्रॉब्लम में खड़ी हो जाएगी कि इंजेक्शन लिए चलो साथ में, तो मैंने एक दिन बैठे बैठे डॉक्टर साहब से बात करी कि मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आप काफ़ी टाइम से बोल रहे थे मेरे से कि एक बार तुम मेरे कहने से थोड़ा डाइट फॉलो करो, मैं तुम्हारी कोई दवाइयाँ नहीं बढ़ाऊँगा, मैं तुमको कोई रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं दूंगा, बस इतना है कि जो मैं एक तुमको गाइड करूंगा, उस गाइडलाइन के हिसाब से अपना खान पीन सिस्टम चेंज कर लेना। तो मैंने कहा, यार अब बात ऐसी है कि अब आपसे, अभी तक तो मैं इनकी बात को हंसी मजाक में टाल देता था, लेकिन जब मेरे को ऊपर सर पे आई बात कि भाई इंसुलिन पे जाना ही पड़ेगा, तब मैंने बोला कि ठीक है, आपका प्रोटोकॉल मुझे समझाओ। तो इनने जो जो मुझे चीज़ें एडवाइस करी, वो एडवाइस के हिसाब से मैंने उसको शुरू किया। और ऐसा नहीं, बड़ा फ्रेंडली उनने मुझे समझाया कि भाई, एक तो आटा गेहूं का, चावल, आलू, और थोड़ा सा शुगर तो अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ें, यदि 3-4 चीज़ें आप अपनी लाइफ स्टाइल से हटा दो और इसकी जगह सब्स्टिट्यूट में देता हूँ आपको, तो वो सब्स्टिट्यूट आप फॉलो करो कि कीटो आटा है इनका, वो मैं 11 महीने से यूज कर रहा हूं। मेरा वेट 88 kg था जब मैंने इनका प्रोटोकॉल चालू किया, अब आज की डेट में मेरा 68-69 kg वेट है, जो नॉर्मल के हिसाब से फिट हो गया, और मुझे अपना कंफर्टेबल लाइफ लगती है। ऐसा कि जैसे अब एक दो चीजें हैं जो मैं साथ में करता हूं, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मैं डॉक्टर साहब से कई बार ऐसे मजाक में भी पूछता हूं कि यार, अब मैं पानी पूरी खाने का मन है, तो डॉक्टर साहब का कहना होता है कि भाई, आप अपने मन को कभी मारो मत, आपको पानी पूरी खाना है, शादी पार्टी में गए हो तो आप एक 4-5 पानी पूरी जो है ना, बगैर आलू के, आप खट्टे पानी से खा लो, तो आपका मन भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब मैंने की,
अब कहीं पार्टी में, शादी में या कहीं किसी फंक्शन में जब मैं जाता हूँ तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती थी कि यार मैं वहाँ खाऊंगा क्या। लेकिन जब मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, पहली बार जब मैंने उनको गाइड किया था और कुछ ही समय के बाद में हमारा एक मिलना शादी के अंदर हुआ जो मथुरा में हुई थी, तो वहां उन्होंने मेरे को अपनी जेब में से निकाल करके एक रोल दिखाया, तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि यार रोल दिखा रहे हैं क्या है। फिर बाद में मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि अरे वो अपनी कीटो आटे की चपाती साथ लेके चल रहे हैं। तब तक मेरे कुछ एक पेशेंट्स भी मेरे से ये चीजें शेयर करते थे इक्का दुक्का, पर उन्होंने जब ये मेरे को शेयर किया देन आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि श्याम भाई इतने भी सीरियस हो सकते हैं। तो वो पहली बार मेरे को समझ में आया। और तब तो देखिए, तब इस तरह के प्रोडक्ट्स जो लो कार्ब है उतने मार्केट में अवेलेबल भी नहीं थे, कीटो आटे का भी ट्रेंड नहीं था, तो हम क्या बोलते थे, सोयाबीन चना जौ का आटा या फिर नॉर्मल जो आपका गेहूं का आटा है लौकी के प्यूरी में माड़ के ले लो, मेथी पालक डाल लो। फिर जब कीटो आटा आया तब लोगों को सजेस्ट किया, उनको तो मैंने खैर शुरू से ही किया क्योंकि कीटो आटा तब तक आ चुका था मार्केट में। फिर उसके जो इश्यूज थे उनको देखते हुए फिर हम लोग खुद कीटो आटा लेकर के आए, तो ये डॉक्टर एरन्स का कीटो आटा अब अवेलेबल है। फिर अब तो जब ये विजिट के अंदर आए तो मैंने इन सारी चीजों की उनको टेस्टिंग भी दी कि आप देखो ये काफी फ्रेंडली है, तो किसी को चावल खाना है तो चावल का अल्टरनेट है, नूडल्स खाना है नूडल्स का है, बिस्किट खाना है बिस्किट का है, नमकीन खाना है नमकीन का है। तो अब तो इतने सारे अल्टरनेट सब मैं क्यों ला रहा हूं, क्योंकि एक एक इंसान को बोलो कि भाई इस तरह का आप फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइए तो ये कंपनियां मेरी तो सब सुनने वाली है नहीं, ये लोग अपने हिसाब से ही अपना काम करेंगे, इनको अपनी आरओआई देखनी है। पर मेरे पेशेंट्स को जो तकलीफ होती है उसे देखते हुए मैंने खुद ही बनवाना शुरू किया, भले इन प्रोडक्ट्स में मेरे को प्रॉफिट ना आए पर कम से कम मेरे पेशेंट्स को हेल्थ में प्रॉफिट आता है। तो अगर ब्रेक इवन पर भी ये प्रोडक्ट्स गए तो मेरे पेशेंट्स का फायदा होता है, इनडायरेक्टली मेरा फायदा होता है कि पेशेंट्स को रिजल्ट्स आते हैं। तो अब आपका कैसा अनुभव है प्रोडक्ट्स को लेके? 11 महीने इनके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हुआ है, तो मैं एक तो वेट मेरा जो है ना इतना नॉर्मल हो गया है कि मेरे को अंदर से फीलिंग बहुत कंफर्टेबल होती है। दूसरा कि मैं किसी चीज को खाने से परहेज नहीं करता हूँ, बस उसके सिस्टम करता हूँ कि किस में कितना कार्ब मेरे को लेना चाहिए। तो ये मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद इस मामले में अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे को नया जीवन की एक मतलब सीख दी है कि आप अपनी लाइफ में बगैर भूखा रहे या बगैर किसी चीज से कंप्रोमाइज करे भी आप अपनी लाइफ को बराबर इंजॉय कर सकते हो। और अभी मैं जब बॉम्बे आया तो मैंने देखा डॉक्टर साहब ने तो यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट जो कि कीटो प्रोडक्ट हैं ये मुझे टेस्ट भी कराए और कीटो फ्रेंडली, और मुझे ये लगा कि अब ये मेरे को यदि नूडल्स खाने का मन है, राइस खाने का मन है, खीर खाने का मन है तो ये सारे प्रोडक्ट अभी अवेलेबल करा रहे हैं। और अब मैं लगभग 11 महीने में मेरी लगभग एक गोली और कभी कभी आधी गोली, डेढ़ गोली में अभी बची है 8 में से, जिसमें कि लो सबसे लो वाली कैटेगरी की है, मेटफॉर्मिन 500 है। और मेरी अब फास्टिंग जो मैं जब भी करता हूं तो 120 के आसपास मेरी फास्टिंग अभी आ रही है, तो पीपी जो है मेरी 145-150 आती है। अब डॉक्टर साहब का मेरे को ये कहना है कि भाई अभी आप इस चीज को थोड़ा सा 6 महीने और फॉलो करोगे तो ये जो डेढ़ गोली आपकी बची हुई है वो भी बंद हो, ये भी बंद हो जाएगी। और उसके बाद में तो आपकी लाइफ स्टाइल आपको मालूम है कि कैसे आपको खुद ही अपने आप को कंट्रोल करके आगे लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है। क्योंकि अब देखिए अल्टरनेट सब चीज क्या आ गए, और आने वाले समय में मैं क्या चाहता हूं, आटा आटे का अल्टरनेट। अच्छा ये कीटो डाइट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये कीटो फ्लावर के नाम से है पर कीटो डाइट अलग होती है। तो वो कंफ्यूज होके जब आप अपने डॉक्टर से बात करते हो ना कीटो, तो बोलते हैं अरे कीटो डाइट में मत जाना, दैट इज रिस्की। तो हम कीटो डाइट किसी को नहीं दे रहे हैं, हम कीटो आटा दे रहे हैं, ये बात का डिफ्रेंसिएशन आप ध्यान से समझ ले। तो ये लो कार्ब प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आटे का अल्टरनेट कीटो आटा हो गया या लो कार्ब आटा हो गया, राइस का रिप्लेसमेंट शिराताकी राइस हो गया, नूडल्स का रिप्लेसमेंट शिराताकी नूडल हो गया, बिस्किट का जैसे मारी बिस्किट है उसमें एक बिस्किट में 5 ग्राम शक्कर है तो ये आलमंड कुकीज या जीरा कुकी या कोकोनट कुकी उनमें 1 ग्राम शुगर है, नमकीन है वो एकदम लो कार्ब वाले आ गए। तो ये बेसिकली लो कार्ब डाइट है और इसमें ढेर सारे करीब 50-100 प्रोडक्ट्स आने वाले समय में आएंगे जिनसे एक डायबिटिक पेशेंट की लाइफ बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। तो उसको फिर मैं डॉक्टर अग्रवाल के डायबिटीज फ्रेंडली मॉल के अंदर लेकर के आऊंगा, मेरे असिस्टेंट्स आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे जिससे एक डायबिटिक पेशेंट की लाइफ एकदम इजी हो जाए और उसके साथ में वेट लॉस भी हो, जिन लोगों को वेट लॉस करना है, पर जिन लोगों को वेट मेंटेन करना है वो मेंटेन कर सकते हैं।
उसके भी तरीके हम लोग गाइड करते हैं ब्लड के पैरामीटर के हिसाब से। जैसे अब उनका वजन नॉर्मल आ चुका है तो उनको गाइड किया है कि भाई आप हेल्दी फैट बढ़ा लीजिए, नट्स बढ़ा लीजिए, तो अब आपका वेट लॉस नहीं होगा, वेट मेंटेन होगा। तो आप हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन, लो कार्ब, इस प्रकार की डाइट पे अब आप रहेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। जिनका वजन ज्यादा है उनको प्रोटीन सफिशिएंट दिया जाता है, कार्ब और फैट जो है उसमें कमी लाई जाती है, और न्यूट्रिशंस का ख्याल रखा जाता है, जैसे बिना किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के आप ये पूरा सफर कर सकें। तो और आप क्या बताना चाहेंगे मेरे को, लोगों को कॉन्फिडेंस जब आए? मेरे अपने करीबी मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों ने मेरे को, मेरी एक फिजिकल फिटनेस को देखा तो कईयों को ज्वेलेसी भी होती है कि आप 59 इयर्स में 35 इयर्स के आ गए, तो उनको भी थोड़ा सा लगता है, तो वो मेरे से क्यूरियोसिटी वश पूछते हैं कि ये आपने क्या, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग डायबिटिक भी है, तो अब वो मेरे से पूछते हैं, तो मैं उनको जो चीज़ उनको डॉक्टर साहब की तरफ से कंसल्ट करता हूँ कि भाई एक बार आप वहाँ उनके एरन उसमें जो है आप कंसल्ट कीजिए, और उनके डाइटिशियन जो है आपके हिसाब से, बॉडी के हिसाब से आपको पूरा के पूरा सही गाइड करेंगे। और तो कई लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया, और आज वो मुझसे, एक मेरे मित्र हैं करीबी, वो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रहे हैं, उनका 14.2 था HbA1c जब आज से 7 महीने पहले। वो उनकी सूरत देख के मुझे तकलीफ होती थी, मैंने पूछा भी कि यार इसमें क्यों नहीं कुछ करते, तो बोले यार सब दिखाता हूँ डॉक्टर को, वो फिर कहते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत लो, इतना ये ले लो। तो मैंने डॉक्टर साहब से उनकी एक दिन अपनी मित्रता के नाते जो है उनसे बात कराई, डॉक्टर साहब ने जैसे बोला, तो अभी मेरी 2 दिन पहले उनसे बात हुई तो उनका 8.3 HbA1c आया, और अभी वो इतने कॉन्फिडेंस हैं कि वो कहते हैं कि भाई मैं अपनी तरफ से 20 कम से कम लोगों को एडवाइस दे चुका हूँ कि एरन में आप जाइए, और कम से कम वहां उनकी कंसल्टेंसी का आप अपनी लाइफ स्टाइल में फायदा लीजिए। मेरा दरअसल क्या कहना होता है कि एटलीस्ट सोशल अवेयरनेस फैलाएं, भले लोग मेरे तक अप्रोच करें नहीं करें, पर सोशल अवेयरनेस फैलेगा ना कि डायबिटीज को दवाइयों के माध्यम से तो कर सकते हैं, पर डाइटरी प्रोटोकॉल से आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो दवाइयों से नहीं मिलेंगे, और साइड इफेक्ट फ्री। तो ये अगर आप एडॉप्ट करते हैं और उसकी अवेयरनेस फैलाते हैं तो वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो वो करें। हाँ, मैं तो डॉक्टर साहब का बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने मेरे को एक नई दिशा दे दी लाइफ जीने की। आज मैं इतना एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को। श्याम भाई, मेरे को भी रियल में खुशी होती है कि मैं किसी रिलेटिव की हेल्थ में उसको सपोर्ट कर पाएंगे। कोविड के टाइम पर जब उनको कोविड हुआ था तो मेरे ख्याल से 1 महीना लगा था, 1 महीने से ज्यादा एडमिट रहे, लाखों खर्चा किया। तो मैं उनको यही बोलता था कि श्याम भाई आप अपनी डायबिटीज का कुछ ना कुछ करो, क्योंकि ये आपको लगातार तकलीफ देगी और आगे भी देगी। तो फिर उन्होंने बात को माना, ध्यान दिया, फॉलो किया, और ये इंटरव्यू एक्चुअल में मैं कई बार बीच में भी मिला तो चाहता मैं तब भी करता, मैंने जान करके नहीं किया कि मैंने कहा यार रिलेटिव है, जाने लोग इसको किस प्रकार से परसीव करें। उनका सोचना ये भी हो सकता है कि भाई रिलेटिव है तो अपने ही किसी रिलेटिव को ऐसे ही बिठा लिया है, कुछ फेक इंटरव्यू तो नहीं है। पर इस बार मैंने सोचा लोगों को जो सोचना है सोचे, मेरे सैकड़ों इंटरव्यू दूसरे लोगों के साथ डले हैं तो क्यों ना उनके साथ में भी करूं, और बोल करके करूंगा ही इज माय रिलेटिव। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि मेरे सारे रिलेटिव जो है वो उसको फॉलो करें या कर पाए, कई लोगों के समझ का भी वो रहता है, और कई लोगों के ऐसे बॉडी लिमिटेशन होते हैं कि वो करना ही नहीं चाहते, वो अपनी क्रेविंग्स पर या चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सभी तरह के लोग होते हैं, पर ये मेरा कहना है कि डायबिटीज के मैनेजमेंट में ये एक बहुत अच्छा हेल्दी अल्टरनेट है, और हर मरीज को ये मालूम होना चाहिए कि ये किया जा सकता है। अब वो करे ना करे ये उनकी चॉइस है। कई बार होता है कि आदमी एक झटका खा करके संभलता है, अब इनके साथ तो ऐसा कुछ झटके वाला इंसिडेंस इस चीज को लेके नहीं हुआ कि इन्होंने फॉलो करना चालू कर दिया, पर इनके साथ में ये था डॉक्टर ने बोला कि व्हाई डोंट यू शिफ्ट ऑन इंसुलिन इंजेक्टेबल, जबकि इनकी बॉडी का जो शेप था वो इंसुलिन के हिसाब से था ही नहीं। और ये MD फिजिशियन एक्चुअली अगर उनको एक लाइन क्लियर कर दी जाए तो उनको समझ में आ जाएगा, और मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है उसका मैं लिंक भी डालता हूं, और मैंने ये भी बोला है उस वीडियो में कि आप अपने फिजिशियन के साथ उसको शेयर करो, और ये सारे इंडिया के जितने भी ओबीज लोग हैं और जो इंसुलिन पर जा रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है, और वीडियोस को शेयर जरूर करें उनसे कि आपको इंसुलिन की कतई जरूरत नहीं है। आप इंसुलिन लगा के उल्टा अपना कार्डियक और रीनल रिस्क को बढ़ाएंगे अगर आप ओबीज हैं और इंसुलिन ले रहे हैं, तो बेटर है आप डाइटरी प्रोटोकॉल में जाएं। और ये भी पॉसिबल, और जितने भी ओबीज लोग हैं मान लीजिए इंसुलिन नहीं लगा रहे हैं,
तो उनके लिए ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि वो अपने डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और इवन रिवर्सल भी कर पाए। पर मान लीजिए रिवर्सल नहीं भी कर पाए तो रेमिजन तक या मेडिसिन फ्री होने तक तो इजीली जा सकते हैं। ओबीज का तो मैं गारंटीड बोलता हूं, और अनसुपरवाइज्ड वे में ना जाए, देखें, फॉलो करें, 15-20 दिन में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगे कम्युनिकेट करें, फिर सुपरविजन के अंदर जाए, अनसुपरवाइज्ड नहीं जाए, मनी सेविंग मोड में जाकर के अपना कोई नुकसान ना कर ले, इसके लिए सुपरवाइज्ड वे में जाए, इतना खाली मेरा कहना है। कोई और मैसेज हो शाम एक तो दे। बात मैं आप सब लोगों को और बोलना चाहता हूं कि जैसे अक्सर मैं भी पहले इनके वीडियो कुछ देखता था, वीडियो देख के एक अंदर से फीलिंग होती है, हम उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करते करते यदि हमको लग रहा है कि हाँ उसमें 15-20 दिन में महीने भर में बहुत इंप्रूवमेंट है, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप फिर डॉक्टर साहब की कंसल्टेंसी में आए, ताकि क्या है कि वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करें। श्याम भाई मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक लेडी का फोन कंसल्टेशन हुआ, लेडी का वजन 50 किलो, डायबिटिक 5 साल से, जब उसने शुरू किया मेरा डाइट आज से 6 महीना पहले, उस समय उसका वजन कितना था, 60 किलो, आइडियल वेट उसका होना चाहिए था 55 केजी, 55 से 60 किलो, क्योंकि उसका जो हाइट था वो था 160 सेंटीमीटर। अब वो लेडी का वजन 55 की जगह आ गया 50 किलो, ब्लड शुगर कंट्रोल हो गई। अब उसने कंसल्टेंसी इसलिए किया कि डॉक्टर मेरा वेट डे बाई डे घट रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन? अब उसमें भी देखिए, मैंने उनको बोला कि भाई जब आपको फर्क पड़ना शुरू हुआ कितने दिन हुए थे? उन्होंने बोला 15-20 दिन में मेरी ब्लड शुगर कम आने लगी, महीने भर में मेरी दवाइयां बंद हो गई। तो मैंने कहा फिर आपने तब कंसल्टेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि तब आपका वजन इतना था कि मैं 55-56-57 पर आपका वजन स्टेबल करा सकता था, आप 50 तक क्यों आए, आपने 6 महीना वेट क्यों किया? तो उसके पास में कोई आंसर नहीं, क्योंकि इंसान मनी सेविंग मोड में चला गया कि यार जब, अब ये होता है ना फ्री का, वो कौन सा एक कहावत है ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, तो वही हिसाब हो जाता है कि वो वीडियो फ्री मिल जाता है, उनको लगता है कि इसमें सारा हो गया, पर उसमें वो अपना नुकसान कर लेते हैं। तो इसका जो मेन बम फूटा वो कंसल्टेशन कंप्लीट होते होते फूटा। जब ये सब हो गया, मैंने उनको बोला कि आप मैडम एक काम करो, सुपरवाइज्ड वे में इसका प्रोग्राम ज्वाइन करो, और अपनी डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिजन, रिवर्सल को, मतलब रेमिजन भी ऑलमोस्ट हो गया था, 5.9 आ गया था HbA1c, ब्लड शुगर उनकी कंट्रोल थी, तो मैंने कहा रिवर्सल के लिए आगे बढ़ो, पर सुपरवाइज्ड वे में जाओ, जिससे आपका वेट फर्दर लॉस ना हो। तो खत्म होते होते कंसल्टेशन उन्होंने बम फोड़ा। सर मेरे हस्बैंड को भी डायबिटीज है। अब असली मजे की बात तो देखो अब आई, जिसके कारण मैं आपको किस्सा शेयर कर रहा हूं। हस्बैंड का वजन, उन्होंने एक साल पहले डाइट फॉलो करना शुरू किया श्याम भाई, तब उनका वजन था 90 किलो। मैंने उनको छूटते ही बोला उनका हाइट वेट एज क्या है, तो बोलती है उनकी हाइट है 5 फुट 10 इंच, मतलब वजन होना चाहिए था 75 किलो, और आज कितना है, 60 किलो। मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने कहा कि आपके हस्बैंड का 30 किलो वजन कम हो गया और आपने कंसल्टेशन नहीं किया। मैंने कहा इतना नुकसान आप लोग कर कैसे लेते हैं भाई? आप 3-4 महीने के अंदर जब आपको अच्छे रिजल्ट्स आ गए, सब कुछ हो गया, आप एक बार तो बात कर लेते थे कि डॉक्टर वजन अब 75 किलो है, दुबले होते हैं, इवन 70 किलो आने पे भी कर लेते। 60 किलो आ गया तो भी हस्बैंड कंसल्टेशन नहीं कर रहा, वाइफ कर रही है, और हस्बैंड बाजू से प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं वाइफ के कंसल्टेशन में कि ऐसा पूछो वैसा पूछो वैसा। तो ये करने के बजाय प्रॉपर तरीके से जाए, अनसुपरवाइज्ड वे में ना जाए, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। खाली मेरा उतना ही इंटेंशन है इस पूरी स्टोरी के पीछे। तो अब ये बहुत आसान है कि आप अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और रिवर्सल कर सकते हैं। और डायबिटीज किसी भी प्रकार की हो, टाइप 1 हो, मोडी हो, लाडा हो, टाइप 2 हो, टाइप 2 वाले रेमिजन के साथ रिवर्सल करने की अपॉर्चुनिटी भी रखते हैं। पर जो बाकी की डायबिटीज है उनमें आपको लाभ होगा, जिससे आपके दवाइयों के डोजेज, इंसुलिन के डोजेज वो सारे घटेंगे और आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाव हो सकेगा। तो इसी के साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा श्याम भाई का कि इन्होंने समय निकाला। आप लोगों से बस यही है कि आप लोग भी इनका वीडियो जरूर देखें, शेयर करें, और आपको लगता है 15-20 दिन 25 दिन में आपको उसका इफेक्ट आ रहा है तो आप जरूर कंसल्टेंसी पे जाएं। बराबर, क्या नुकसान नहीं होना चाहिए, मेन इंटेंशन हमारा वो है, और इसकी अवेयरनेस लोगों में फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाए और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलिडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें, और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।